पार्क में मौजूद हैं। हम दाल का इंतजार कर रहे थे, आप देख सकते हैं ये दाल यहाँ पर पहुंच चुकी है हजारों बोरे। उसके अलावा चावल पीछे पहुंच चुका है, उसके अलावा पीछे जो है वो आटा पहुंच चुका है। आटा आप पूरे ग्राउंड में जहां तक देखेंगे जो आपको नजर आ रहा है ये सारा आटा है, ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये सारा पूरे ग्राउंड में आटा है। और जिधर तक आपकी नजर जाएगी इस वक्त ये ऑपरेशन जो यहाँ चल रहा है इसका नाम है ग्रैंड राशन प्रोग्राम। और JDC इस वक्त कोशिश कर रही है, हम बार बार लोगों से बोल रहे हैं कि आप थोड़ा स्लो करें, आप हमें बिस्किट दूध और जूस और खुश राशन की तरफ आ जाएं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा ये जो आप देख रहे हैं सारे इंतजाम नेशनल पार्क में, इसके लिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट हैं जनाब रहमतुल्ला शेख साहब और जो डिप्टी कमिश्नर हैं ईस्ट, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और इस वक्त रहमतुल्ला शेख साहब विजिट पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो जो इस वक्त IDPs आ रहे हैं, जितने बड़े पैमाने पर आपने लोड संभाला हुआ, मेरे ख्याल में शायद कराची में किसी और एडमिनिस्ट्रेटर पर इतना बड़ा लोड नहीं होगा जितना आपने संभाला हुआ है। हजारों लोगों को नाश्ता देना, खाना देना, रिहाइश देना, सरकारी स्कूलों में रखना, और बहुत बहुत आप मेहनत कर रहे हैं, दुनिया को नजर आ रहे हैं सर। इस वक्त ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया JDC की जानिब से, इस हवाले से क्या बोलेंगे सर, लोगों को बताएं सर जो लोग देखें। सर मैं तो देख के मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है कि किस तरह से लोग आप इस कार खैर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपकी मेहनतें और आप जिस नेक काम में ये मेहनत कर रहे हैं ये कार खैर अल्लाह इसका आपको अजर देगा। और मुझे यकीन करें बहुत ही वो देखने में ये लग रहा है कि ये कोई वाकई इस मुसीबत ज़्यादा उसमें टाइम है जिस तरह से लोग हेल्प कर रहे हैं ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आप तो खास तौर पे JDC जिस तरह से काम कर रहा है पूरे सिंध के हवाले से, मैं भी आपको रिक्वेस्ट करता रहता हूँ मुख्तलिफ शहरों के लिए हवाले, मुख्तलिफ गांवों के हवाले से आप उसमें मुझे हेल्प करते रहते हो और वहाँ पर अपना राशन बेचते रहते हो, ये भी आपकी बड़ी कावश है, मेहनत है, आप ये अप्रिशिएबल बात है। मैं इसको बहुत ही बल्कि मैं अपने आप को तवज्जो से ये लोगों से कहूँगा कि जितना हो जिस फॉर्म में जहाँ पे भी हो जिस शक्ल में भी हो लोगों की हेल्प करें, इस मुसीबत डिजास्टर में लोगों को डिजास्टर निकालें। अच्छा सर आप कोई अपील करना चाहेंगे अलियाने कराची अलियाने पाकिस्तान से, अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए इस वक्त? देखिए मेरा मेरी तरफ से तो ये है कि मैं इंटीरियर में या कहीं बाहर नहीं जा रहा, लेकिन आपने जिस तरह से मुझे यहाँ पे एक गाइडलाइन दी है, मेरी रहनुमाई भी की है, आपने मेरी हेल्प भी की है, और मैं IDPs जो आ रहे हैं उनके हवाले से मैं आपके तरफ से कहूँगा कि जितने भी कराची में, मैं अपने DMC ईस्ट की बात नहीं करूँगा, मैं पूरी कराची में जहाँ पर भी IDPs आ रहे हैं वो भले मुझसे रब्ता करें, और आपकी मेरे साथ सपोर्ट भी है, और इंशाअल्लाह ताला हम इनको यहाँ पे जैसे आते हैं मेहमान की सूरत में आएं, मेहमान की खिदमत करना वैसे भी जो है ना कार खैर है। और इस कार खैर में मैं आवाम से अपील करूँगा कि हमसे भरपूर तावन करें, JDC भरपूर तावन करें और इस मुश्किल सूरत हाल से पूरे पाकिस्तान को निकालें। बड़ी मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा रहमतुल्लाह शेख साहब, आप मुसलसल रहनुमाई फरमाते हैं, JDC के फ्री डायलिसिस सेंटर बन रहे हों, JDC के नशे के आदि अफराद के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बन रहे हों, आप हर जगह भी देते हैं और रहनुमाई फरमाते हैं, इस पर आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत दे, जिस तरह आप भी जाग रहे हैं 24 घंटे, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। एक गुजारिश करूंगा, आप तमाम लोग दुआ भी कीजिए, अभी बार बार पेशेंट गोइयां आ रही हैं कि सिंध में दोबारा कोई बारिश की कोई खबर, इस तरह की कभी चलती कभी नहीं, अगर अब बारिश हुई तो वो तमाम लोग जो मैं कहूं, अगर हैदराबाद की सराउंडिंग की बात करूं शायद 4-4.5 लाख लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों से खैरपुर कह लें वहां से होकर यहां तक पहुंचे हैं, खुश जगह ढूंढते ढूंढते और खुले आसमानों के नीचे हैं, जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर में पना ले लिया, जो स्कूलों में चले गए, जो रोडों के ऊपर हैं, जो प्लास्टिक जिन्होंने डाल लिए, जिन्होंने पत्ते डाल लिए, जिन्होंने खेमे जिनको मिल गए, अभी भी मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में खेमों के ऑर्डर किए हैं और मैं ढूंढ रहा हूं, अगर किसी वेंडर के पास रेडी है हमसे रब्ता करो, फौरन ले लेंगे जितने खेमे आपके पास है, जितने बड़े बड़े हम सिटी बना रहे हैं वो सब आप देख रहे हैं। तो आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, दुआ करें कि अब बारिश कम से कम अभी ना हो, क्योंकि अगर बारिश हुई तो जो लोग खुले आसमानों के नीचे मुसीबत ज्यादा है उनका क्या बनेगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो किधर जाएंगे, लाखों लोग हैं, 4-4 लाख लोग तो मुझे नॉर्मल लोग बता रहे हैं, और पता नहीं मैं तो समझता हूँ ये करोड़ों लोग इस वक्त जो दीगर मुसीबत में हैं, वो किसी तरह की भी मुसीबत हो सकती है, पाँव में जो जख्म हुए हैं, जो बीमारियां हुई हैं, जो उसमें से मतलब आपकी सोच से ज्यादा खतरनाक डिजीज इस वक्त आ चुकी है, हम 100 डॉक्टरों को लेकर जा रहे हैं SSU के साथ, और बड़ा मेगा दादू में भी हम कैंप लगा रहे हैं जिसके लिए करोड़ों रुपए की सिर्फ दवाइयां परचेस की जा रही हैं। DIG मकसूद मेमन साहब का बहुत शुक्रिया जो फ्रंट लाइन पर हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग चाहे वो मलिक रियाज साहब हों बैरिया टाउन के, चाहे वो शायद कुरैशी साहब हों कंट्री हेड बैरिया टाउन, चाहे AD मलिक साहब हों, चाहे जितने डोनर है पूरे पाकिस्तान में जो हमारे साथ जुड़े हुए जिनकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर सामान जा रहा है, कोई ऐसा प्लान नहीं है, आपका जो डोनेशन आ रहा है उसको जमा करेंगे, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद फैक्ट्री लगाएंगे, उसका जो प्रॉफिट आएगा उससे गरीबों की नहीं, जिसके लिए दे रहे हैं उसके लिए रवाना हो रहा है ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर। एक बार फिर आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, थैंक यू, ठीक है सर।